शारदीय नवरात्रि का बुधवार से शुभारंभ हो गया, जिसमें शक्ति की देवी मां जगदम्बा की आराधना की जाती है और जगह जगह देवी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। कलकत्ता के बाद गोरखपुर में ही सबसे अधिक दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और भारी संख्या में लोग मां दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि पर स्थापित होने वाली प्रतिमाओं और भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने जनपद वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आपसे अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, ये पर्व आप शांतिपूर्वक मनाएं और जो इलाका में साफ सुथरी रखें और किसी का कष्ट ना हो जाए, उस हिसाब से अपने जो ध्वनि कम रखें, कहीं यदि डीजे रेडियो इत्यादि का है, और बाकी सब मिलके भाईचारा के साथ इसका त्यौहार का अच्छा से मनाएं, ये आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ, अपील भी करता हूँ। फिर जिला प्रशासन तरफ से कुछ विशेष व्यवस्था की? जिला प्रशासन की तरफ से साफ सफाई के लिए हम लोग 24 घंटे टीम लगा हुआ है और हर जगह कहाँ कहाँ मूर्ति स्थापित है, यहाँ करीबन 2918 मूर्तियाँ स्थापित हैं पूरे जनपद गोरखपुर में। हर जगह पुलिस का फोर्स तैनात है और फायर सर्विस, फायर स्टेशन को भी व्यवस्था कर रखा है, एम्बुलेंस और चिकित्सालय अस्पताल में भी अलर्ट कर रखा है, ताकि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उसको निस्तारण कराएंगे, इसका पर्व को मनाएंगे। और मूर्ति विसर्जन के लिए भी हम लोग अलग तालाब का व्यवस्था कर रखा है, ताकि सीधे नदी में जाने के वजह वो जो उस पर तालाब जो बना हुआ तालाब में कर लें, ताकि प्रदूषण नदी का कम हो जाए, ये अपेक्षा करता हूँ। बाकी सर, जो मूर्ति स्थापित किए, प्रतिमा स्थापित किए कमेटी, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ जो कमेटी से यही अपील है, ताकि ये जो आपका जिम्मेदारी पूरा जो मूर्ति का, रखवाली का और आसपास इलाका का, जो प्लास्टिक पॉलीथीन इत्यादि ना यूज़ करने का, और वहाँ जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश के हिसाब से वहाँ का लाउड स्पीकर इत्यादि चलाना और वहाँ का पंडाल का सुरक्षा, ये सारे आपको जिम्मेदारी है, ताकि इसलिए तो 144 भी लागू है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप से आपके लेते हुए आपका पंडाल का जिम्मेदारी के साथ आप निभाना होगा, वो आपका जिम्मेदारी है, मैं आपसे यही चाहूँगा। सर, कुछ यातायात व्यवस्था भी बाधित होता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि कलकत्ता के बाद गोरखपुर ऐसा सर जहाँ इतनी मूर्तियाँ स्थापित, उसके लिए भी कोई यातायात? यहाँ जो जगह जगह पे हम लोग ट्रैफिक डाइवर्शन कर रखा है, ताकि मूर्ति का विसर्जन का तिथि के हिसाब से हम लोग उसको डाइवर्शन का पेपर में देंगे और FM रेडियो जो किसी माध्यम से जनता के लिए दे सकते हैं तो उसका पहले ही दे देंगे, ताकि जो कहाँ कहाँ मुख्य मार्ग होता है, जो मूर्ति विसर्जन का मार्ग, उसका डाइवर्जन के लिए हम लोग अभी से प्लान कर रहे हैं। ज़्यादा प्रयास ये रहेगा ज़्यादा असुविधा ना हो जाए, इसलिए तो कम डाइवर्जन में ही ये सारे काम हो जाएगा।